नमस्कार मित्रों, हमारे भारत वर्ष को जड़ी बूटी का खजाना कहा जाता है। हमारे भारत भूमि में दिव्य पौधा पाए जाते हैं। हमारे भारत भूमि में संजीवनी बूटी नामक जैसे भी पेड़ पौधा आज भी पाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सफेद आंक की तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। 101% चैलेंज के साथ ये प्रयोग बताऊंगा। अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो 100% इसका आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। जो सफेद आंक की पौधा होता है ये तंत्र से भरा होता है। हर पेड़ पौधा का अलग अलग विशेषता होता है। हर पेड़ पौधे में अलग अलग चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती है। बस इसे पहचानने वाला आना चाहिए। तो सफेद आंक के बारे में जो जानकारी बताऊंगा ये जानकारी हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। 4 से 5 इसका साधारण प्रयोग बताऊंगा, जिस प्रयोग से आप स्वयं को उन्नति कर सकते हैं, बहुत से लोगों की भला कर सकते हैं। और मैं वही जानकारी बताता हूं जो जानकारी आसान हो, जिसमें किसी का भला हो, जिसमें किसी का कल्याण हो। पहला प्रयोग बताऊंगा, सफेद आंख की अगर अंगुल की किल बना करके, सफेद आंख की जो होता है इसका 3 अंगुल की किल बना करके, जी हाँ, जो सफेद आंख है इसका 3 अंगुल की किल बना करके कृतिका नक्षत्र में तालाब में पोखर में या छोटा जो जलाशय वहाँ पे गाड़ देने से तत्काल जो समस्त मछलियाँ होती हैं जो तालाब में हो पोखर में हो या जलाशय में हो तत्काल मर जाती हैं। और ये प्रयोग प्राचीन इंद्रजाल नामक ग्रंथ में बताए गए हैं, जिसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। प्रयोग करके देख सकते हैं, इसमें आपको 100% लाभ मिलेंगे। दूसरा प्रयोग बताना चाहूंगा, 16 अंगुल की जड़, इसके 16 अंगुल की जड़ कृतिका नक्षत्र में जहाँ शराब बनाए जाते हैं वहाँ पर गाड़ देने से समस्त शराब खराब हो जाते हैं, पानी बन जाता है, फिर उस स्थान पर दोबारा शराब नहीं बनाया जा सकता। जो लोग शराब बना करके बेचते हैं उस स्थान पर यह प्रयोग अवश्य करना, इससे आप जो है लोगों की भी भला कर सकते हैं, वहाँ पे शराब न बने, इस प्रकार से जो है धर्म कार्य भी कर सकते हैं। इसका तीसरा प्रयोग, बुधवार के दिन सफेद आंख की जड़ सफेद कपड़े में बांध करके घर में लटकाने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, घर पर बुरी नजर नहीं लगता एवं घर में इस प्रयोग को करने के बाद लक्ष्मी का भंडार स्वतः ही भरना शुरू हो जाता है। चौथा प्रयोग, किसी बच्चे को नजर लगे हो तो उसे दूर करने के लिए बच्चे को सफेद आंख की माला बना करके पहना देना, बिल्कुल ही बुरी नजर दूर हो जाएगी, कैसा भी बुरी नजर लगा हुआ दूर हो जाएंगे। ज्योतिष लोग सफेद आंख से भविष्यवाणी भी करते हैं। भविष्यवाणी इस प्रकार से है, ऐसा माना जाता है कि जिस वर्ष सफेद आंख के वृक्ष पर पुष्प अधिक आते हैं उस वर्ष पर सोने की कीमत में गिरावट आती है, यानी कि सोने की कीमत में काफी गिरावट आती है ऐसा माना जाता है। तो ये थे सफेद आंख के बारे में छोटे से तांत्रिक प्रयोग एवं इसके तांत्रिक जड़ी बूटी के रहस्य जानकारी इस वीडियो में बताई हूँ। तो यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।